हेलो दोस्तों, मैं परवेज भाटी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे शानदार इंग्लिश स्पोकन चैनल, जहां पर इंग्लिश सिखाई जाती है बहुत आसान ट्रिक से। और उम्मीद करता हूं आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही है। जी हां, देखते रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। तो अब तक हमने 15 वीडियोस की है जिनमें हमने स्पोकन इंग्लिश को कंप्लीट किया है। अब हम उन 15 वीडियोस के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो बने रहे मेरे साथ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका पूरा फायदा उठा पाए। तो चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने इज एम आर, वॉज वर और विल बी की प्रैक्टिस की है, आज हम बात करेंगे डू, डज, डिड एंड विल। जी हाँ, डू डज कोई काम करते हैं, डिड कोई काम किया था, और विल कोई काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता हूँ डू, मैं नहीं जाता डू, क्या तुम जाते हो डू, क्या तुम नहीं जाते डू, ही शी, इट, नेम के लिए वर्ब के साथ एस या एस डू बन जाएगा, डज। उसके बाद हमने डिड पढ़ा था, डिड पास्ट के लिए, आई यू वी दे ही शी इट नेम सबके लिए पास्ट में डिड का यूज करते हैं। डिड यानी के वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये काम किया था, गया था, खाया था, सोया था। उसके बाद हम बात करेंगे विल की, कोई काम फ्यूचर में करेंगे, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पढ़ाएंगे, सोएंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी ऐसा काम करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर में यूज करेंगे विल का। जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ इंग्लिश बोलेंगे। जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ, हमने इज एम आर पढ़ा था, मैं इज एम आर, वॉज वर, विल बी जो हमने लास्ट प्रैक्टिस किया, मैं उसको भी ऐड करूंगा आज की क्लास के साथ। तो चलो मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, लेकिन, बट, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, लेकिन, बट, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, क्योंकि, क्योंकि तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, इसलिए, दैट्स वाई, मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो, लेकिन, बट, लेकिन, बट, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, नहीं, नहीं, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, नो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, क्योंकि, बिकॉज, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, मैं अब जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग, लेकिन, बट, लेकिन, बट, राधा सो रही थी, राधा वॉज स्लीपिंग, क्योंकि, बिकॉज, वह स्कूल नहीं जाती, शी नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, मैं घर पर पढ़ूंगा, आई विल स्टडी एट होम, आई विल स्टडी एट होम, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, राधा इंग्लिश बोल रही है, क्योंकि, राधा इंग्लिश बोल रही है, राधा इज स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, वह इंग्लिश सीख रही थी, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, सीख रही थी, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, मैं कॉलेज नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, क्योंकि, क्योंकि, मैं गया था, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज, नहीं, मैं नहीं गया था, नो, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, क्योंकि, क्योंकि, बिकॉज, कल जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, इसलिए, दैट्स वाई, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, लेकिन, बट, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, नहीं, नो, नहीं, नो, मैं नहीं सो रहा, आई एम नॉट स्लीपिंग, लेकिन, लेकिन, बट, राधा पढ़ा रही थी, राधा वॉज टीचिंग, इसलिए, इसलिए, मैं नहीं पढ़ता, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, क्या तुम गिटार बजाते हो, डू यू प्ले द गिटार, डू यू प्ले द गिटार, डू यू प्ले द गिटार, नहीं, 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 नो, 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 मैं गिटार नहीं बजाता, आई डू नॉट प्ले द गिटार, आई डू नॉट प्ले द गिटार,
क्या तुम्हारी मम्मा गिटार बजाती है? तुम्हारी मम्मा, योर मदर, डज योर मदर प्ले द गिटार? डज योर मदर प्ले द गिटार? नहीं, वह नहीं बजाती, शी डज नॉट प्ले द गिटार, लेकिन बट मेरे पापा गिटार बजाते हैं, माई फादर प्लेज द गिटार, इसलिए दैट्स वाई मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, लेकिन शाम को नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले इन द इवनिंग, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, क्या तुम भी पढ़ोगे? Will you study? No, मैं नहीं पढ़ूंगा, I will not study, लेकिन मैं रोजाना पढ़ता हूँ, I study every day, because मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school, लेकिन राधा कॉलेज नहीं जाती, राधा डज नॉट गो टू कॉलेज, इसलिए दैट्स वाई हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, जी हाँ, तो हमने प्रैक्टिस किया इज एम आर वॉज वर विल बी, जो हमने प्रैक्टिस सेट वन में किया था, उसके बाद प्रैक्टिस सेट टू डू डज डिड और विल, जी हाँ, ये मिलाकर हमने प्रैक्टिस किया, तो चलो वापस करते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं प्रैक्टिस ही है जिससे हम बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, जी हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी बोल पाएंगे, आप प्रैक्टिस करें, आप ये ना सोचे मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बस आप बोलते रहिएगा, मैं उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, तो चलो मैं वापस बोलता हूँ, मैं बहुत जल्दी बोलने वाला हूँ, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलिएगा, जी हाँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, लेकिन बट राधा नहीं जा रही, राधा इज नॉट गोइंग, क्योंकि वह कॉलेज जाती है, बिकॉज शी गोज टू कॉलेज, इसलिए दैट्स वाई मैं गया था, आई वेंट, क्योंकि बिकॉज मैं कल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टुमारो, इसलिए दैट्स वाई, लेकिन बट यस, हाँ, नो, नहीं, नो, हाँ, यस, लेकिन बट इसलिए दैट्स वाई, क्योंकि बिकॉज वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, लेकिन वह रात को नहीं सोती, शी डज नॉट स्लीप एट नाइट, इसलिए वह आज सोएगी, सी विल स्लीप टुडे, इसलिए दैट्स वाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग क्योंकि बिकॉज मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल लेकिन वह स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि अमित स्कूल जाता है, अमित गोज टू स्कूल, ही शीट नेम के लिए डज, आई यू वी दे के लिए डू, जी हाँ, आपने देखी होगी हमारी वीडियोस, आप स्पोकन इंग्लिश की जो भी दूसरी वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट करें तब पहली वीडियो देखें, और अभी ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है तो आप दूसरी वीडियो देखें, और दूसरी वीडियो देखने के बाद आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके बाद आप दूसरा प्रैक्टिस सेट देखें, जिससे आपको बहुत मक्खन लगेगा, एकदम मक्खन, तो चलो मैं गया था, आई वेंट, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या वह जा रही होगी, विल शी बी गोइंग, ये जी हाँ, वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग, वह जाएगी, शी विल गो, वह जाएगी, शी विल गो, लेकिन बट मैं नहीं जाऊंगा, I will not go, क्योंकि बिकॉज मैं जाता हूँ, आई गो, इसलिए दैट्स वाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, लेकिन बट हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, इसलिए हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। लेकिन अमित नहीं खेलता, अमित डज नॉट प्ले। लेकिन क्या तुम खेलते हो? बट डू यू प्ले? नहीं, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। लेकिन कभी कभी खेलता हूँ, सम टाइम आई प्ले, इसलिए दैट्स व्हाई मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। जी हाँ, तो आज के लिए काफ़ी है, इसी तरह आप घर पे प्रैक्टिस करते रहे, जो भी आपके लोकल सेंटेंसेस हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। इस तरह से आप जो भी घर पे करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोशिश करें इंग्लिश बोलने की, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले, छोटे सेंटेंस बोले उनको बड़ा करें, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बाजार जा रहा हूँ, टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस, पहले वर्ड बोलना शुरू करें, फिर सेंटेंस बनाए, फिर सेंटेंसेस को बड़ा करें। इस तरह से आप बोलते रहे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, बने रहे मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलो, आज के लिए काफी है, बाय।